सारी गटरे अभी कर्मचारी भी साफ नहीं कर पाएंगे ऐसी हालत में। नागरिकों से अपील है, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा इकराम से, मुफ्ती साहब यहीं पे है कि हमारा भी हिस्सा है इसमें। अगर हम निधि भी देते तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को पता नहीं रहता। आप यहाँ फील्ड में आके इनका साथ देके जो कमियां उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उलमाए ग्राम से खासतौर से कहूंगा कि आवाम के बीच जाएं और लोगों के बीच जाके उनको साफ सफाई के लिए कहिए, बच्चों से। आपका मोहल्ला आप अच्छे से ठीक से रखे, स्वच्छ रखे, साफ रखे और भिवंडी को और महानगर पालिका को सहयोग दे। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएससी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएससी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएससी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए GST क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबाउ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस ऑफ सिटी का स्वागत है। कहते हैं सफाई आधा ईमान है और इसी के तर्ज पे जो है हर कोई अपने घर को, अपने आंगन को, अपने शहर को साफ रखना चाहता है, लेकिन भिवंडी शहर की कहानी उल्टी है। भिवंडी शहर के अंदर जो गंदगी, जो कचरा, यही इस शहर की पहचान बन के रह गई है और हर कोई जो है, जो समाज सेवक है, जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, वो कोशिश करते हैं कि शहर किसी न किसी तरह से साफ रहे और इसीलिए आज एक रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं MLA रईस शेख द्वारा जो सफाई अभियान भिवंडी के लिए छेड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल के बच्चे हैं, तकरीबन 800 से 1000 बच्चे जो इस रैली में पार्टिसिपेट किए हैं और एक ही मकसद है इनका कि लोगों के अंदर सफाई को लेकर जागरूकता आए, लोग कहीं पे भी कचरा ना फेंके, अपने घर को, अपने गलियों को, अपने मोहल्ले को जो है साफ रखें। इसी तरह पर MLA रईस शेख और महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जो इस रैली में शामिल हुए और इनका एक ही नारा है कि अपने भिवंडी को स्वच्छ रखें। क्या कहेंगे रईस भाई आज इस तरीके से जो सफाई अभियान के लिए आपने, आपके साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं, वो आयु से काफी लोग हैं, तो लोगों को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे सफाई के लिए, क्योंकि बहुत सख्ती है? देखिए, साफ सफाई जो है ना, हम सबकी जवाबदारी है। अगर कॉरपोरेशन की है तो आवाम की भी है। हम किस तरह से कचरा जमा करते हैं, किस तरह से मोहल्ले के अंदर कॉरपोरेशन का काम लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। एक बात हमको है कि महानगर पालिका की लिमिटेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको भी थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज महानगर पालिका की कमियां तो उनको बताई मैंने, आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि साफ सफाई का, एक जगह हम लोग कचरा क्यों नहीं जमा करते और सवाल क्यों नहीं पूछते? महानगर पालिका सिर्फ नगर से होकर आमदार की नहीं सुनती, नागरिकों को भी सुनती है। तो हमने एक टीम बनाने की कोशिश की है गुलजार नगर ये 10 नंबर वार्ड को, मैंने वर्लीकर जी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर उनको भी काफ़ी कमियां बताई है। बहुत सारी गटरे अभी कर्मचारी भी साफ नहीं कर पाएंगे ऐसी हालत में, वो हाथ डालेंगे तो उनके हाथ कट सकते हैं, बहुत हालत ख़राब है। 20-20 साल से गटरे बनी नहीं है, रास्ते बने नहीं है, पानी की पाइपलाइन हटी नहीं है। मैंने ये कहा है कि अभी सारे डिपार्टमेंट मिल के काम करो, अगर हम निधि भी देते हैं तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को पता नहीं रहता। असिस्टेंट कमिश्नर पानी विभाग काम करता तो सिविल वाले को पता नहीं रहता। ये जो मैंने ससानी मैडम ने आज बहुत इंटरेस्ट लिया, इतनी बड़ी रैली बाबर मैडम ने आज ऑर्गेनाइज की, इतने सारे बच्चे आए, इसका नतीजा निकलना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर छोटा सा काम भी होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर को पता होना चाहिए, पानी विभाग को पता होना चाहिए, सिविल वाले को पता होना चाहिए। सिविल वाले काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है। ये आप एक नियोजन जो है, एक सर्कुलर निकालिए, उसके बाद जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको पूरा कीजिए। हम आवाम से अपील करते हैं, पब्लिक से, छोटे छोटे बच्चे अपील कर रहे हैं कि आपको साफ सफाई रखना है। आज ये सफाई अभियान एक एग्जाम्पल है। जी, आयुक्त साहब का एक ऑडियो जो मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि
हमारे एरिया से टैक्स नहीं आता है, इसलिए हम वहाँ पर सफाई करने के लिए नहीं आते, पहले टैक्स भरो उसके बाद बात करो। देखिए आयुक्त साहब का जवाब, आयुक्त साहब का जवाब आयुक्त साहब से लीजिए। आपका इसको क्या कहना है? मेरा सिंपल कहना है कि सफाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हमको करना है, और ये आज जो नियोजन हमने किया है उसका मैंने सनानी मैडम से कहा कि एक एक तप्पे में पूरे भिवंडी इसको लीजिए। नागरिकों से अपील है, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा इकराम से, मुफ्ती साहब यहीं पे है कि हमारा भी हिस्सा है इसमें, वो हिस्सा हम लोग पूरा करें। हम सिर्फ सवाल पूछने से ना साफ सफाई नहीं होने वाली, सवाल तो हम असेंबली में बहुत पूछते हैं, महानगर पालिका की इतनी तारीफ करते हैं ना कि सीएम साहब मेरी तरफ देखते रहते हैं कि क्या है। वो प्लेटफॉर्म है असेंबली जहाँ हमने हर मुद्दे पर आवाज उठाई, अब यहाँ फील्ड में आके इनका साथ देके जो कमियां उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उलमाए ग्राउंड से खासतौर से कहूंगा कि आवाम के बीच जाएं और लोगों के बीच जाके उनको साफ सफाई के लिए कहिए, बच्चों से हम कह रहे हैं तो उसके लिए आ जाए। ये हैंडबिल उठाई महानगर पालिका और आरोग्य उपायुक्त भी हूँ। आज आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमने बच्चों के साथ स्कूल के साथ रैली निकाली है, जिसके माननीय हमारे आयुक्त श्री अजय वैद सर और माननीय श्री रईस शेख साहब जो हमारे आमदार जी है, विधायक जी है, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमने ये रैली निकाली है, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, लोगों को पता चले कि महानगर पालिका के स्वच्छता कर्मचारी के साथ साथ आपकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उस तरह से लोगों को ये बात उनको जहन में बैठनी चाहिए कि सिर्फ महानगर पालिका कर्मचारी तो साफ सफाई करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो माहौल है या परिसर है या मोहल्ला है उसको हमने भी साफ रखने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ अपने जहाँ पे जैसे विधायक जो हमारे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए और हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त साहब भी हमेशा लोगों के बारे में या स्वच्छता के बारे में या जो भी विकासात्मक काम के बारे में सोचते हैं उनके अंतर्गत हम उनके अंदर काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भिवंडी के परिसर को स्वच्छ रखें। और आमदार जी का हमेशा हमें सहयोग रहा है और हमेशा प्रोत्साहन देते हैं और बहुत सारी मदद भी करते हैं निधि के तौर पे। तो धन्यवाद, हम लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका मोहल्ला आप अच्छे से ठीक से रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें और भिवंडी को और महानगर पालिका को सहयोग दें। महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी की बहुत ज्यादा कमी है जी, जिससे हर जगह पे जो है ना जो जितनी रिक्वायर्ड सफाई होनी चाहिए उतनी होनी कम। जी जी बिल्कुल, महानगर पालिका जो 26 किलोमीटर का एरिया है उसमें 1500 के तहत में सफाई कामगार है, उसमें से 300 लोग जो है जो शौचालय वगैरह साफ करते हैं, तो किलोमीटर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कामगार काम करते करते बहुत सारे कामगार जो बीमार रहते हैं वो भी छुट्टी पे रहते हैं, तो उसमें कमी जरूर आती है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई अच्छे से हो, और उसमें क्या होता है कर्मचारी तो करते ही है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि लोगों का सहयोग नहीं हो तो 24 घंटा भी काम करे तो भी कम ही है, ये सभी बात आप जानते हैं जी।